खबर उकलाना से है, जहां पर क्षेत्र में हुई हल्की सी बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी, या यूं कह लीजिए कि उकलाना में 20 करोड़ रुपए पानी में गए। उकलाना में सूर्यवाला चौक से लेकर उकलाना तक मात्र 4 किलोमीटर का हाईवे 20 करोड़ रुपए की लागत से बनना शुरू हुआ तो उसमें अनियमितताओं का अंबार लग गया। स्थानीय नेताओं के साथ ठेकेदारों ने मिलकर जमकर घपलेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बार बार शिकायत की, लेकिन ठेकेदारों पर नेताओं का हाथ होने की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज हल्की सी बारिश ने पूरे प्रशासन और ठेकेदारों की पोल खोल कर रख दी। ऑटो मार्केट में जलभराव के कारण उकलाना ऑटो मार्केट के मिस्त्रियों ने सड़क पर पानी में ही जाम लगा दिया। मैकेनिकों का कहना है कि 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फोर लाइन में ना तो सीवरेज व्यवस्था की गई है और ना ही पानी निकासी का कोई प्रबंध किया गया। हल्की सी बारिश से मिस्त्रियों को भारी नुकसान होता है और पूरा पूरा दिन दुकानों के सामने ना तो गाड़ी खड़ी होती है और ना ही जगह मिल पाती है और ना ही काम सुचारू रूप से कर पाते हैं, जिसको लेकर ऑटो मार्केट मिस्त्रियों का गुस्सा फूटा और जाम लगा दिया गया। 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फोर लाइन को बीच में छोड़कर ठेकेदार मजे की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं नेताओं का संरक्षण पाने के बाद किसी की भी कोई नहीं सुनता। उकलाना के स्थानीय नेताओं के भी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे चैनल ने कल भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लगातार दूसरे दिन भी बारिश के चलते समाधान न होने के कारण मिस्त्रियों ने जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सुबह से ही परेशानी हो रही है, कल से बारिश हो रही है, कल से ही हो रही है, सबको परेशानी आने जाने में दिक्कतें हो रही है। प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है किसी चीज का। यहाँ की जो सीवरेज व्यवस्था है वो भी ठप ही पड़ी है, कोई अच्छी है नहीं। तो हम मीडिया से या फिर प्रशासन से विनती करते हैं कि कुछ सुधार किया जाए। अगर ऐसा ही रहा तो हमें मिस्त्री भाइयों को जितने मार्केट में हैं, दुकान में हैं, सबको परेशानी होती है इस चीज़ से। और सुबह से बाइक और मतलब कई तो बाइक बंद हो चुके हैं, तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए।